2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की पोषण अभियान और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जैसी तमाम योजनाओं के बावजूद कुपोषण से होने वाली बच्चों की मौतों का आंकड़ा भारत में सबसे ज़्यादा है। यूनिसेफ की हाल ही में आई द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2019 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 साल से कम उम्र के 35 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के 70 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिसमें 50% यानी 35 करोड़ अकेले भारत में हैं। गुरुवार को यूनिसेफ ने अपनी नई रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2019 में ये जानकारी दी है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में भारत में कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं की तरफ इशारा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषण या ज्यादा वजन का शिकार है। यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण से कम आयु के बच्चों के दिमागी विकास, याद करने में परेशानी, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और संक्रमण जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। भारत में यूनिसेफ के अध्ययन के मुताबिक 5 साल तक के 35% बच्चे अविकसित हैं, 17% किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और 33% बच्चे सामान्य से कम वजन वाले हैं और 2% बच्चे सामान्य से ज्यादा वजन यानी मोटापे का शिकार हैं, जबकि 80% 6 से 23 महीने तक के बच्चों को सही मात्रा में पोषण युक्त खाना नहीं मिल पाता है। 5 साल से कम उम्र के 40.5% बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। यूनिसेफ ने भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी चिंता जाहिर की है। भारत में हर दूसरी महिला में खून की कमी देखी गई है, साथ ही महिलाओं में खून की कमी की शिकायत बेहद कम उम्र से ही पनप रही है। देश में स्कूली बच्चों के बीच हाई ब्लड प्रेशर, किडनी रोग और डायबिटीज जैसे रोग भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 5 साल से कम आयु के हर 5वें बच्चे में विटामिन ए की कमी है, हर 3 में से 1 बच्चे में विटामिन B12 की कमी है। रिपोर्ट में कम उम्र के बच्चों और माओ की डाइट में फल, दूध और हरी सब्जियों की सही मात्रा न ले पाने का भी जिक्र किया गया है। देश में 61% शिशु और माएं हफ्ते में 1 बार डेयरी प्रोडक्ट्स ही ले पाते हैं, वहीं 75% शिशु और माएं सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही हरी सब्जियां ले पाते हैं। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।